आता अभिमानानं बोला माझं सोलापूर न्यूज चॅनल। मध्य रेल्वे सोलापूर विभागामध्ये फोटोचं प्रदर्शन करण्यात आलं। यामध्ये भारताच्या फाळणीचा इतिहास फोटोच्या माध्यमातून दाखवण्यात आलाय। या प्रदर्शनाचं उद्घाटन खासदार डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झालंय। मध्य रेल्वे सोलापूर विभागाच्या वतीने सोलापूर रेल्वे स्टेशन येथे फाळणी दिनाचा इतिहास लोकांना समजण्यासाठी फोटो प्रदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं। या फोटो प्रदर्शनाचं उद्घाटन खासदार डॉक्टर जय सिद्धेश्वर महास्वामी यांच्या हस्ते रेल्वेचे DRM शैलेश गुप्ता, ADRM शैलेंद्र परिहार, प्रदीप हिरडे यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाला। 14 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताची फाळणी झाली, त्यावेळी अनेक लोकांना स्थलांतर व्हावं लागलं, अनेकांना आपलं घरदार सोडावं लागलं, अनेकांचे जीव या फाळणीत गेले, धार्मिक हिंसा देखील झाली। त्या सर्व घटनेचा इतिहास लोकांना फोटोच्या माध्यमातून कळावा यासाठी सोलापूरच्या मध्य रेल्वे विभागाने आझादी का अमृत महोत्सवाअंतर्गत हा उपक्रम राबवला आहे। प्रदर्शनी का उद्घाटन तो लोगों को पता चले किस प्रकार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय उस समय जब बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो लोगों को कितनी बुरी हालत में अपना पूरा छोड़कर पूरी हमारी महागुरु की जमीन या पूरा घर का छोड़कर वो पूरा अपने देश में विस्थापित हो गए और लोगों को किस प्रकार बुरी हालत से सामना करना पड़ा उसके बारे में पूरा भारत सरकार ने जो अभियान चला रहा है उसके बारे में सब रेलवे स्टेशन पर 1947 ईस्वी सन में जब भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के पश्चात जो बातें घटी या विभाजन के पश्चात जिन लोगों को प्रस्थापित होना पड़ा, उस समय वहाँ के पाकिस्तान से भारत आते समय तक आने तक जो भी घटनाएं घड़ी उसका सकृत दर्शन, उस समय के सभी जो चित्र हैं आज इस रेलवे स्टेशन पर हमको देखने के लिए प्राप्त हुआ है। आज की जो नई पीढ़ी है ये सभी इतने सामान्य से लेती हैं, हुआ होगा, बशर्ते ये बात नहीं है उस समय की जो है जो भाव रहा या जो दंगा हुए, फसाद हुए, उसमें जो शहीद हुए, उस सभी विषयों को आत्मसात कर लेना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए मैं सभी नगरवासियों को, नवतरुणों को, नवतरणियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर आवें, उस समय के तस्वीर देख करके अपने मन में भारत देश के प्रति जो जज्बा है उसको पुनः जो है ज्वलमान करें, यह मैं आशय व्यक्त करता हूँ। और सोलापुर शहर रेलवे स्टेशन तथा यहाँ के DRM श्री गुप्ता जी को, सभी पदाधिकारियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 15 अगस्त के निमित्त आप सभी लोगों को शुभेच्छा कहना चाहूँगा, शुभेच्छा, धन्यवाद। सोलापुर स्टेशन पर एक प्रदर्शनी लगाई है, उस प्रदर्शनी में जो विभाजन के समय की विभीषिका थी, जो जब लोग पाकिस्तान से भारत की तरफ आ रहे थे उनके साथ जो हुआ, किस परिस्थितियों में वो लोग विस्थापित हुए, किस तरह से यहाँ पर आए, उन सब के एक चित्र और की प्रदर्शनी है। उसके साथ साथ उसमें उल्लेख भी हैं किस तरह से लोगों को परेशानी हुई। और इस तरह की प्रदर्शनी हमने सोलापुर मंडल में कुल मिला के 6 स्टेशन्स पर लगाई है।
उसमें कलबुर्गी, उस्मानाबाद, लातूर, दौंड और अहमदनगर स्टेशन भी शामिल हैं। पूरे देश भर में आई थिंक करीब 700 ऐसे स्टेशंस चुने गए हैं जहां पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, और ये प्रदर्शनी आज शाम तक है। तो जो लोग इसको और देखना चाहें तो कृपया आज आके देखें, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू। माझं सोलापूर न्यूज चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। माझं सोलापूर न्यूज चॅनल।